हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, मेरा बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप कौन कौन से इरेजर्स यूज़ करते हो अपनी ड्राइंग्स में। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इरेजर्स होते हैं ड्राइंग में यूज़ करने के लिए, जो कि बेसिकली हम हाईलाइट के लिए यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इरेजर। सो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं कौन कौन से इरेजर्स यूज़ करता हूँ, और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको कौन सा इरेजर चाहिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको बेसिकली कौन सा इरेजर आपके लिए सही रहेगा, और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास कौन से इरेजर हैं। सो लेट्स सी। सो ये हैं सभी इरेजर। सबसे पहले ये सिंपल रेगुलर इरेजर, जो कि आपके पास भी होगा। मेरे पास तो स्टैडलर का है। यह है पेंसिल इरेजर स्टैडलर का, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यह है कोहिनूर का पेंसिल इरेजर, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है स्टैडलर वाले से। और यह है मेरा फेवरेट टोम्बा मोनो जीरो इरेजर। इसके अंदर ऐसे रिफिल डलती है, यह रिफिल अभी ख़त्म हो चुकी है, तो इस तरह से इसकी रिफिल मिल जाती है हमको अलग से। यह है मैकेनिकल इरेजर, इसमें लीड्स डलती है मैकेनिकल पेंसिल की तरह। सो ये जो लीड है ये इसी की है, तो इस तरह की लीड्स डलती हैं इसमें। और यह है बैटरी इरेजर डरवेंट का, इसके अंदर बैटरी डलती है और इस तरह से बटन दबा के ये ऑन कर सकते हैं हम इसको। और इसके अंदर से ऐसे रिफिल डलती हैं छोटी छोटी, जो मैंने वहाँ पर रखी हुई है वो इसी की रिफिल्स हैं। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, इस तरह की बैटरी डलती है इसमें। सो ये कुछ इरेजर्स हैं जो कि मैं अपनी ड्राइंग्स में यूज़ करता हूँ। अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ इनको। ये रिफिल्स बैटरी इरेजर की हैं। अब एक एक करके सभी को ट्राई करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा इरेजर बाय करना चाहिए अगर आप एक बिगिनर हैं तो, बेसिकली हाईलाइट के लिए। एक और इरेजर होता है जिसको हम नीडेड इरेजर बोलते हैं, और उसको हम किसी भी साइज़ में फोल्ड कर सकते हैं। वो मेरे पास है बट मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको वो नहीं दिखाया है। अभी मैं 3B पेंसिल का यूज़ करके शेड करूँगा पूरे एरिया में, और उसके बाद यूज़ करूँगा मैं 8B पेंसिल थोड़ा डार्क शेड करने के लिए। फिर इस शेडिंग को हम इरेज करके देखेंगे इन्हीं सब इरेजर का यूज़ करके। अब मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ डार्क शेड करने के लिए। मैं बिल्कुल प्रेशर का अप्लाई करके उसी 8B पेंसिल का यूज़ करके बिल्कुल डार्क शेड कर देता हूँ, और फिर देखेंगे ये इरेज हो पाता है या नहीं। इसको ब्लेंड भी कर लेंगे, क्योंकि ब्लेंड के बाद ही हम इरेजर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ मोनोटोम्बो जीरो इरेजर, जो कि मेरा फेवरेट है, तो अब इसको यूज़ करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से ये इरेज हो रहा है। अब पेंसिल इरेजर यूज़ करते हैं स्टैडलर का। ये इरेजर मैंने काफ़ी पहले बाय किया था और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इससे अच्छे से इरेज नहीं हो पाता है। सो ये है स्टैडलर का पेंसिल इरेजर। और अब बात करते हैं कोहिनूर का पेंसिल इरेजर। ये काफ़ी बढ़िया है, एक ही बारी में आपको काफ़ी अच्छे से इरेज हो जाता है इसमें, और काफ़ी पतला इरेज होता है, तो आप देख सकते हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, ये मुझे कोहिनूर ब्रांड ने भेजा था। और ये है मैकेनिकल इरेजर, ये भी काफ़ी अच्छा है। और बैटरी इरेजर यूज़ करते हैं आप, ऑब्वियसली ये तो अच्छा होगा ही, बट जो काम आप इससे कर सकते हैं वो आप टोम्बो जीरो इरेजर से भी कर सकते हैं काफ़ी इजीली। बस इसमें आपको प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये है लास्ट रेगुलर इरेजर, ये भी काफ़ी अच्छा है स्टैडलर का, जो कि आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, अप्सरा का, डॉम्स का, किसी भी का भी। अब बिल्कुल डार्क को इरेज करके देखते हैं इससे, बैटरी इरेजर से। इससे तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये बैटरी इरेजर है, काफ़ी अच्छे से हो जाता है इससे तो। पेंसिल इरेजर से करके देखते हैं, इससे भी काफ़ी अच्छे से इरेज हो जाता है। अब टोम्बो इरेजर ट्राई करते हैं, इससे भी काफ़ी अच्छे से इरेज हो जाता है डार्क एरियाज। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए कौन सा इरेजर सबसे ज़्यादा सही रहेगा। सो ये है मेरे पास 2 पेंसिल इरेजर, एक है स्टैडलर का, एक है कोहिनूर का। तो इसमें से मैं आपको कहूँगा कोहिनूर का बाय करो। स्टैडलर का मैं काफ़ी पहले से यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और कोहिनूर काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं, आप खुद भी यूज़ करके देख लेना, काफ़ी अच्छा इरेजर है। सो अगर आपको कोई इन दोनों में से लेना है तो आप कोहिनूर का बाय करना, वो टोम्बो जीरो इरेजर की तरह काफ़ी अच्छा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कितने पतले पतले स्ट्रोक्स उससे हो रहे हैं, बट वो स्टैडलर के इरेजर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो पाता है, मैंने यूज़ करके देख लिया है वो।
सो मैं आपको यही कहूँगा कि आप या तो कोहिनूर का इरेजर ले लो या फिर टोम्बो जीरो इरेजर ले लो, इन दोनों में से एक ले लो, दोनों सेम ही हैं। बाकी मैकेनिकल इरेजर और इलेक्ट्रिक इरेजर अभी आपको नहीं चाहिए, अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको सिंपल हाईलाइट के लिए चाहिए, उसके लिए आप टोम्बो जीरो इरेजर ले लो या फिर पेंसिल इरेजर ले लो, इन दोनों में से कोई एक ले लो। तो ये मैकेनिकल इरेजर और इलेक्ट्रिक इरेजर हैं जो, इनको बाय मत करना अगर आप एक बिगनर हैं तो, आप सारा काम उन्हीं से ही कर सकते हैं टोम्बो जीरो इरेजर या फिर पेंसिल इरेजर से। बाकी आप रेगुलर इरेजर यूज़ कर सकते हैं कोई भी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में से आपको कौन सा बाय करना चाहिए अगर आपको लेना है तो, इन दोनों में से एक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा फेवरेट टोम्बो मोनो जीरो इरेजर है, तो मैं तो ये कहूँगा इसको बाय कर लूँ, क्योंकि आपको इसको बार बार शार्प नहीं करना पड़ता। इसकी लीड है जो काफ़ी पतली है एज़ कम्पेयर टू पेंसिल इरेजर। टोम्बो जीरो इरेजर की लीड्स आपको अलग से मिल जाएंगी, तो आप उनको अमेजोन से बाय कर सकते हैं और इरेजर को बाय कर सकते हैं। 220 रुपीज़ का इरेजर है और साथ में एक लीड फ्री मिल जाती है इसके, और लीड्स अगर ख़त्म हो जाए तो आप अलग से बाय कर सकते हैं। बाकी आप कोहिनूर का पेंसिल इरेजर भी बाय कर सकते हैं, दोनों सेम ही हैं, दोनों ही क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो गाइस ये थे कुछ इरेजर्स जो कि मैं अपनी ड्राइंग्स में यूज़ करता हूँ। अगर आप एक बिगनर हैं तो या तो आप टोम्बो जीरो इरेजर ले लो या फिर पेंसिल इरेजर ले लो, इन दोनों में से एक ले लो, कोई भी ले लो, अच्छे हैं। कोहिनूर का लेना अगर ये वाला लोगे तो, क्योंकि कोहिनूर का काफ़ी अच्छा है जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया। और मैं तो यही कहूँगा कि आप टोम्बो जीरो इरेजर लो, क्योंकि इसकी जो ये है, इसका जो इरेजर है काफ़ी पतला है और काफ़ी अच्छा है, तो और क्योंकि इसको हमें शार्प भी नहीं करना पड़ता है, तो मैं तो ये कहूँगा ये वाला ले लो, आपको मिल जाएगा ये अमेज़ॉन पे 220 रुपीज़ का, और इसके लिए फ्री फिल भी अलग से मिल जाती है। सो ये आप बाय कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है हाईलाइट के लिए। मैंने इस पर वीडियो बना रखी कि आप किस तरह से इसे हाईलाइट कर सकते हैं, तो आप वो वीडियोज़ देख लेना। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।